3 की लैंडिंग को लेकर पूरे देश में उत्साह है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग चांद के सतह पर बिल्कुल सही हो और फिर भारत विश्व में अपना परचम लहराएगा, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में चंद्रयान 3 का चांद की सतह पर उतरने का लाइव आयोजन किया जाएगा। लाइव टेलीकास्ट के दौरान विजिटर्स चंद्रयान 3 मिशन के बारे में एक्सपर्ट के साथ ऑनलाइन संवाद कर सकेंगे और भारत की सफलता का उत्सव मना सकेंगे। आपको बता दें कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था। वहीं जब चंद्रयान 3 को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड करवाया जाएगा तो आखिर के 15 मिनट बेहद खौफनाक रहेंगे। मिशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पब्लिक तक पहुंचे, उसके लिए इसरो ने क्या किया, इस बार लाइव उसको टेलीकास्ट करने जा रहा है। तो लाइव टेलीकास्ट का जो लिंक है वो इसरो की वेबसाइट से कोई भी उठा सकता है और कोई भी उसको देख सकता है। उसी लिंक की सहायता से हम यहाँ उसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे और उसमें प्रोजेक्शन के थ्रू दिखाया जाएगा, साथ साथ साइमल्टेनियसली नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम किया जाएगा ताकि टेलीस्कोप के जरिए जनमानस आकाश तक और जुड़ पाए। और उसके साथ साथ में अलग अलग तरीके के कंपटीशन करवाए जाएंगे जिसमें सामान्य जन और स्टूडेंट सभी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये हम 5 बजे से हमारे प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और जब तक ये अपना ये मिशन चलेगा तब तक उसमें मिशन का क्या समय रखा गया है, खौफनाक समय भी रहेगा वो जी, जो अंतिम जो चरण है वो इसका खौफनाक रहेगा। जो आपने बात भी करते हैं कि जो आप 15 मिनट का टाइम बोलें या लास्ट का जो ड्यूरेशन बोलें उसमें जो खौफनाक टाइम रहता ही रहता है हमारा, खौफनाक टाइम इन द सेंस क्योंकि वो एक परीक्षा की घड़ी होती है और हमने जितनी भी मेहनत की है उसके सामने चुनौती खड़ी होती है कि अब हम उसको एकदम सफल तरीके से करके दिखाएं। और इस बार अगर देखा जाए तो वो खाली हमारे सिग्नल का वेट नहीं करेंगे, इस बार चंद्रयान 3 को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। हमारे यहाँ पे जो चंद्रयान 3 है वो उतरेगा जब मून पे, जब हमारे लिए बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट होगा। और मैं अपने जितने भी साइंटिस्ट हैं वहाँ के उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए कि उन्होंने वो यहाँ तक पहुँचे और आगे भी सफल होंगे, इसकी मैं कामना करना चाहता हूँ। मेरा नाम धनंजय, मैं हिसार से आया हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो है चंद्रयान 3 जो 6:04 पर मून पे लैंड होगा, तो मेरी ये कामना रहेगी कि वो एक सफल तरीके से लैंड हो जाए। और जो वैज्ञानिक और सालों महीनों से वो उस मेहनत कर रहे हैं तो मेरी तो कामना ये रहेगी कि वो सफल तरीके से एक लैंड हो जाए। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के मुकाबले अपग्रेड भी किया गया है और जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा तो वहां पर पहुंचकर चांद की सतह का जायजा लेकर वहां के खनिज, पानी, बर्फ और भविष्य के ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं के साथ कई महत्वपूर्ण अध्ययन भी करेगा। पंजाब के स्टूडियो टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।